था जो इस पृथ्वी के तत्व से पैदा हुआ था, पृथ्वी का अवगुण था, जिसका नाम दिया गया भौमासुर। क्या नाम था उस असुर का? भौमासुर, यानी भूमि से पैदा होने के कारण ये असुर था। तो यहां पर जब ये बड़ा हुआ तो इसने बड़ा ही आतंक मचा दिया। जो भी स्त्री को देखता था ये सुंदर है तो बस उसे छीन कर अपहरण करके ले जाता था, कारागार में डाल देता था। और प्रण था 1,00,000 हो जाएंगी तब इकट्ठा ब्याह करूंगा। हजारों कन्याओं का ये अपहरण करके कारागार में डाल देता था। और कई वर्ष हो गए करते करते, ना उन कन्याओं को दिन देखने को मिलता था, ना रात्रि का कोई चांद, उस चार दीवारी में ही बंद रहती थी और रात दिन प्रार्थना करती थी कि प्रभु कुछ ऐसा हो कि हम अपने घर वापस लौटें, इस असुर के आतंक से छूटे। अभी 16,100 ही वो कन्या हो पाई थी, लेकिन इसका आतंक देवताओं को भी सताने लगा। तो फिर भगवान द्वारिकाधीश के हाथों ये मारा गया। जब ये मारा गया तो प्रभु ने कहा कारागृह खुलवाओ, राजा होंगे, पर राजा की जगह वहां बहुत सारी नारियां निकली, बहुत सारी स्त्रियां, सबके चेहरे पर मुस्कान है, सब मलिन अवस्था में, गंदे कुचले मैले वस्त्र, सबको स्नान कराया गया, सबको वस्त्र आदि पहनवाए गए, उनके घर वालों को बुलवाया गया, लेकिन कोई भी परिवार ना आया। सबने कुल मर्यादा का नाम देकर के उनसे पल्ला झाड़ दिया कि नहीं नहीं अब इसका भाग्य है, हमने तो उस दिन त्याग कर दिया था जिस दिन एक अपहरण करके एक असुर ले गया था, अब इससे हमारा कोई नाता नहीं, हमें अपनी बेटी से प्रेम है, अगर लेकिन अगर इसको अपना लेंगे तो समाज वाले हमें त्याग कर देंगे, अगर इसको अपना लेंगे तो फिर हमारी कुल परंपरा मर्याद चली जाएगी, हमारी बेटियों के विवाह नहीं होंगे, इसलिए अब इसका भाग्य हमने छोड़ दिया। परिवार से त्यागी गई, दुखी हो गई वो स्त्रियां। तब प्रभु ने कहा धैर्य रखो, सभी राजाओं को बुलवाया और कहा एक एक कन्या के साथ या दो दो कन्याओं के साथ आप विवाह कर लीजिए। कोई भी राजा तैयार ना हुआ, सबने पत्र व्यवहार करके लिखवा कर भेज दिया, हमारे लिए क्या कन्याओं की अब की कमी है जो असुर से शोषित की हुई महिलाओं को अपनाएंगे, राजकुमारी रानियां बनाकर रखेंगे, हमें नहीं आवश्यकता, आप हमें धर्म की मर्यादा सिखा रहे हैं, आपका तो अवतारी धर्म है, आप कुछ निष्कर्ष निकाले। जब सब जगह से ठुकराई जा चुकी थी तब उन स्त्रियों ने भगवान से कहा आपने इस समाज के लिए तो इस असुर को मार डाला, उद्धार कर दिया, यहाँ इस संसार को परम पवित्र कर दिया, इनको सुख शांति दे दी, लेकिन हमारे लिए आपने गलत किया, हमारे साथ अन्याय किया, हम उस चार दीवारी कैद खाने में पड़ी थी, ठीक थी, आपने उसे मार करके खुलवा करके आज जगत के बीच ला करके सबने हमें त्याग दिया, अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उसका दोष आपको लगेगा ना। तब प्रभु ने कहा देवी ठहरो, यदि तुम सबकी इच्छा है, क्योंकि स्त्री की इच्छा के विपरीत कभी कोई काम नहीं किया जा सकता, अगर आपकी स्वीकृति हो तो मैं तुम सबके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। फिर तो सारी की सारी स्त्रियां चरणों में पड़ गईं, आपके समान पति कौन नहीं चाहेगी, ये तो साधना से फल से भी नहीं प्राप्त होते, आपने इतनी बड़ी कृपा की, हम धन्य भागी हो गई। तब प्रभु ने 16,100 रूप धारण किए, कितने रूप धारण किए, 16,100 रूप धारण करके 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह किया।